हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक कटोरी ये साबूदाना लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो के और 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और 2-3 बार धोया है इसको। तो ये इस तरीके का फूल के तैयार हुआ है साबूदाना, इस तरीके का। तो आप जब भी इसको अगर खीर बनाते हैं तो इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए अच्छे से। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसकी खीर बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो मैंने इस तरीके का ये लिया था। तो आप फ्रेंड्स कटोरी का मेजरमेंट रखिएगा। अगर आप कप वगैरह का मेजरमेंट रखते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा मेजरमेंट गलत भी हो जाता है, तो आप कटोरी का मेजरमेंट रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उसका माप। और ये मैंने यहाँ पे 6-7 इलायची ली, उसका कूट के इसका पाउडर बना लिया। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं जो काट लिए हैं बारीक, ये काजू और बादाम है। और ये गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कटोरी ये साबूदाना लिया है फ्रेंड्स। तो एक कटोरी मीन्स कि ये 150 ग्राम साबूदाना हो गया। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स चीनी ली हुई है। तो आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा मीठी खाना पसंद है खीर तो आप ज़्यादा चीनी यूज़ कर लीजिए। अगर कम चीनी पसंद करते हैं तो आप कम चीनी यूज़ करिए। और मैंने ये 2 बड़े कप यहाँ पे वर्ल्ड मैंने ये दूध लिया हुआ है। तो ये दूध की क्वांटिटी ये 500-600 ml और ये है। तो आप देख लीजिए कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है खीर में, कितनी मतलब कितना दूध रखना है। और मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया हुआ है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ये गैस ऑन कर दी, फ्राई पैन जला दिया है मैंने। तो अब हम इसमें सबसे पहले ये 1 कप पानी डालेंगे। ये गैस ऑन हो रखी है और मैंने जला दिया इसको। 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एकदम डायरेक्टली दूध डालेंगे इसमें तो थोड़ा सा ये तले में लग सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है 1 कप। तो आप देख लीजिए आपको कम ज़्यादा कितनी बनानी है। ये मैं यहाँ पे अब दूध डाल रही हूँ। ये मैंने वाइल्ड दूध लिया है, आप चाहे तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं दूध डाल दूंगी इसमें इस तरीके से और इसको हम चला देंगे अच्छे से। इस तरीके से और इसको एक बॉइल आने तक अच्छे से उबालते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उबाल आने लगा। अब हम ये हमारा जो साबूदाना है जो भिगो के रखा था हमने, वो हम सारा डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से चला देंगे और एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। इसको ढकना नहीं है फ्रेंड्स, अगर ढक के आप इसको बनाएंगे तो ये कई बार होता है कि दूध निकल के बाहर आ जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो ये दूध निकल के बाहर आ जाता है। तो आप बिल्कुल ही इसको ओपन करके पकाइए, खुला करके पकाइए, इस पर ढक्कन वगैरह मत ढकिएगा। और गैस का फ्लेम आप देख लीजिए अपने हिसाब से कम ज़्यादा कितना रखना है। अगर आपके पास टाइम है और आप इमीडिएट वहीं खड़े होकर बना सकते हैं तो आप फुल कर लीजिए गैस का फ्लेम। और अगर थोड़ा सा आपको कुछ और काम करना है तो आप मीडियम फ्लेम कर लीजिए गैस का। तो ये मैं फुल फ्लेम पे पका रही हूँ इसको। जैसे बॉयल आता है हम दूसरी चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी साबूदाने की खीर जो हम बना रहे हैं इसमें दूध में उबाल आ गया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है तो आप कम चीनी डालिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये मैंने कुछ केसर भिगो के रखा था दूध में, अब हम ये भी डाल देंगे इसमें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है खीर में। और इसको भी उबाल आने तक पकाते हैं। अब इसका फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने साबूदाना और चीनी डाल दी है। तो इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी साबूदाना की खीर रेडी हो रही है, यहाँ पे पक रही है। अब हमने इसमें पहले हमने इसमें
दूध डाला, और दूध के बाद हमने साबूदाना डाला, साबूदाना के बाद मैंने यहाँ पे चीनी डाले। अब हम यहाँ पे ये इलायची पाउडर डाल देंगे जो हमने इलायची कूट के तैयार किया था, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें इस तरीके से। और इसको अभी हमें 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है इस तरीके से। इसका फ्लेम मीडियम ही रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है ये खीर, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने ये काट के रखे थे। आप किशमिश भी डाल सकते हैं, यहाँ पे चिरौंजी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़े से काजू बादाम यहाँ पे डाल रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट डालिए इसमें, और इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। बस हमारी ये खीर बनके तैयार है साबूदाने की, 2-3 मिनट और हमें पकाना है, वो इसलिए ताकि इसका दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। ये वह खीर तो हमारी बनके तैयार हो गई। देखिए इसके जो दाने हैं, दाने भी देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको 2-3 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है, और ये देखिए इसके दाने जो हैं एक एक अलग अलग हो गए हैं, ये देखिए, क्योंकि मैंने कम साबूदाने की बनाई है। आप चाहें तो ज़्यादा साबूदाने की भी बना सकते हैं। और ये हमारी खीर पक चुकी है पूरी तरीके से, और अब हम इसकी गार्निश करेंगे। ये देखिए अच्छे से बन गई। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर इसकी गार्निश करते हैं। इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल में निकाल ली है खीर। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हुए हैं कटी कटे हुए, जो हम इसमें डालेंगे, और थोड़े से काजू डालेंगे। आप अपनी पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आपको जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है आप उसको स्किप कर दीजिए, और जो पसंद है तो उसको डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे किशमिश और चिरौंजी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ये फ्लावर से डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये साबूदाने की खीर बनाने का वीडियो कैसा लगा? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।